150 सीसी सेगमेंट में अगर आपको सबसे सस्ती सबसे अफोर्डेबल बाइक परचेज़ करनी है तो यामा की ओल्नू FZ FI V3 2024 मॉडल सियान ब्लू कलर मार्केट में लॉन्च हो चुकी है, इसको आप कंसीडर कर सकते हो। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है दीपक, वेलकम बैक टू केटको मोटो व्लॉग्स। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यामा की FZ FI V3 2024 मॉडल सियान ब्लू कलर के बारे में। इसका एक शोरूम प्राइस दिल्ली में है 1,16,700, 1,16,700 रुपये, और ऑन रोड प्राइस दिल्ली में इसका आपको 1,39,000, 1,39,000 रुपये के आसपास मिल जाएगा। इसके अंदर नया क्या है, लुक्स, डिज़ाइन और स्टाइल कैसे हैं, बाइक के अंदर फीचर्स कैसे हैं, सारी डिटेल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। पहले ऐसा कलर FZ25 के अंदर आता था और FZ25 में वो ग्लोसी कलर आता था, लेकिन इसके अंदर ये सियान में मैट कलर दिया है और मैट फिनिशिंग के साथ में यार ये कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है, यूनिक लग रहा है, थोड़ा अलग सा, मतलब हटके कलर है, ये हटके अलग से दिखने वाला कलर है। तो फ्यूल टैंक के ऊपर आपको ये सियान कलर देखने को मिल जाएगा जो सेपरेटेड टाइप का है इस साइड में और इस साइड में, लेकिन बीच में आपको ब्लैक कलर देखने को मिलेगा। E20 की यहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाएगी, ब्लू कोर की बैजिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और इंजन बाइक के अंदर वही सेम है, 149 सीसी का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है जिसकी पावर 12.4 PS है और 13.3 NM का टॉर्क है। 5-स्पीड गियरबॉक्स बाइक के अंदर आपको मिल जाएगा। और साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ग्रे कलर दिया गया है यहाँ पे, और साइड में ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे भी आपको ग्रे कलर देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आगे आपको ब्लैक कलर देखने को मिलेगा। सो ड्यूअल टोन टाइप की कलर कॉम्बिनेशन इसके अंदर दी गई है। LED हेडलाइट बाइक के अंदर वही सेम है जो FZ3 के अंदर पहले से आ रही है, यामा का लोगो आपको मिल जाएगा। इसके अंदर आपको हेलोजन टाइप के टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे और टेलीस्कोपिक टाइप के फ्रंट फोक्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगे जिसके ऊपर यामा की बैजिंग भी दी गई है। लेकिन जो हेडलाइट का काउल है उसके साइड में आपको ये सियान ब्लू कलर देखने को मिल जाएगा जो दोनों साइड दिया गया है, वही मैट फिनिशिंग के साथ में आइए। 282mm की फ्रंट में डिस्क ब्रेक आपको मिल जाएगी, सिंगल चैनल ABS बाइक के अंदर फ्रंट में है। और इसके अंदर बाइब्री का ब्रेक कैलिपर आपको मिल जाएगा, 100 सेक्शन का फ्रंट में टायर दिया गया है और ब्लैक कलर का आपको इसके अंदर अलॉय व्हील देखने को मिल जाएगा। फ्रंट फेंडर के ऊपर आपको डार्क ग्रे कलर की फिनिशिंग इसके ऊपर देखने को मिल जाएगी जो मैट फिनिशिंग के साथ में है। FZ4 के अंदर आपको यहाँ पे क्रोम की फिनिशिंग देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे कोई भी क्रोम की फिनिशिंग नहीं है, बस जाली वाला पार्ट यहाँ पे दिया गया है। लेकिन टैंक श्राउड्स का डिज़ाइन बहुत अच्छा है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी बाइक के अंदर 13 लीटर्स की है और माइलेज इसके अंदर आपको 50-55 KMPL के आसपास की बड़े आसानी से मिल जाती है। तो सबसे बेस्ट पार्ट तो यार बाइक का यही है कि बहुत ही स्मूथ, रिफाइंड, रिलायबल इंजन है बाइक के अंदर, और एक बार फ्यूल टैंक को फुल कराने के बाद मिनिमम 500 किलोमीटर का डिस्टेंस तो इसके साथ आप बड़े आसानी से कवर कर सकते हो। बाइक की की अगर मैं आपको दिखाऊं तो काफ़ी कॉम्पैक्ट सी, सिंपल सी की है जिसके ऊपर यामा का लोगो दिया गया है और की स्लॉट इसका यहाँ पर दिया गया है। तो की स्लॉट में जैसे ही आप की लगाओगे, ऑन करोगे, तो कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट कंसोल है इसका काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ का जो पहले से ही FZ3 के अंदर आ रहा है। यहाँ पे आपको न्यूट्रल इंडिकेटर मिल जाएगा, स्पीडोमीटर मिल जाएगा, RPM मीटर मिल जाएगा, फ्यूल गेज मिल जाएगा, ट्रिप मीटर मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको ABS इंडिकेटर मिल जाएगा, न्यूट्रल इंडिकेटर मिल जाएगा। और इंस्ट्रूमेंट कंसोल के फीचर्स को ऑपरेट करने के लिए छोटा सा यहाँ पे बटन दिया गया है। बार एंड टाइप का बाइक के अंदर हैंडल बार है, राइडिंग पोस्चर काफ़ी कंफर्टेबल है। स्विच गियर्स के बारे में बात करें तो स्विच गियर्स की बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आपको हाई बीम, लो बीम स्विच मिल जाएगा, उसी के अंदर पासिंग स्विच है, टर्न इंडिकेटर्स का स्विच नीचे है, उसके नीचे हॉर्न बटन है। राइट साइड में आपको यहाँ पे इंजन किल स्विच मिल जाएगा, उसके नीचे सेल्फ स्टार्ट बटन दिया गया है। और इस बाइक के अंदर आपको रेसिंग थ्रोटल देखने को मिल जाता है, यानी कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये रेसिंग थ्रोटल है और इसकी वजह से जो बाइक का इनिशियल एक्सेलरेशन होता है वो बहुत अच्छा रहता है। तो ये रेसिंग थ्रोटल आपको बहुत कमी बाइक्स के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन FZ3 FZ4 में आपको रेसिंग थ्रोटल मिल जाएगा जो होंडा की बाइक्स के अंदर भी आता है। बाइक का वेट 135 kg है, सेगमेंट में काफ़ी लाइट वेट है, पावर टू वेट रेशियो, टॉक टू वेट रेशियो बहुत अच्छा है और उसी वजह से इनिशियल एक्सेलरेशन बाइक का आपको अच्छा मिल जाएगा। हालांकि बाइक की जो आउटपुट फिगर्स है वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन लाइट वेट होने की वजह से बाइक की परफॉर्मेंस आपको डिसेंट देखने को मिल जाएगी। इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको 165mm का देखने को मिल जाएगा और जो बाइक की सीट हाइट है वो 790mm की है, तो एक साइड से मैं पूरा फ्लैट फुट इसके अंदर रख सकता हूँ। सो आपकी हाइट अगर 5'5" के आसपास की भी है तो भी आप इसको कंफर्टेबली राइड कर सकते हो। बाकी बाइक के अंदर वही सेम सिंगल पीस कंफर्टेबल सीट दी गई है, सीट की कुशनिंग बहुत अच्छी है, पिलियन भी कंफर्टेबली बैठ के राइड कर सकता है। डार्क मैट ग्रे कलर की फिनिशिंग आपको देखने को मिल जाएगी इसके ग्रैब रेल के ऊपर, जो सिंगल पीस ग्रैब रेल है, और यहाँ पे रियर प्रोफाइल पे भी आपको सियान ब्लू कलर देखने को मिल जाएगा दोनों साइड में। ये कलर यार पीछे भी काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है, यहाँ से आप देखोगे तो पूरा पीछे तक ये कलर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको ब्लैक कलर मिलेगा, यहाँ पे ब्लू कलर मिलेगा। पीछे आपको 140 सेक्शन का इसके अंदर टायर मिल जाएगा, ब्लैक कलर का अलॉय व्हील मिल जाएगा, और जो इसकी चेन है वो यहाँ से कवर की गई है। प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन इसके अंदर दिया गया है, फुट पैक्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, यहाँ से ये वाला पार्ट बहुत अच्छा है, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी मिल जाएगी। साड़ी गार्ड इसके अंदर आपको मिल जाएगा, मिडल स्टैंड, साइड स्टैंड, दोनों स्टैंड आपको बाइक के अंदर मिल जाएंगे। पीछे आपको इसके अंदर हैलोजन टाइप के टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे, यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाएगा, नंबर प्लेट यहाँ पे माउंट होगी। पीछे जो इसकी LED टेल लाइट है इसका डिज़ाइन वही पुराने वाला ही है, और जब इसकी टेल लाइट ऑन होगी तो कुछ ऐसा लुक आएगा इसका। एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में बात करें तो बाइक के अंदर काफ़ी अच्छा मिडशिप टाइप का मस्कुलर एग्जॉस्ट सिस्टम दिया गया है जिसके ऊपर आपको ग्रे कलर की फिनिशिंग देखने को मिल जाती है जो काफ़ी अच्छी लग रही है। और एग्जॉस्ट नोट भी यार बाइक का काफी अच्छा है, बाइक का एग्जॉस्ट नोट आपको सुनाता हूं। आइडल पे इसका साउंड ऐसा है, अब थोड़ा सा रेव करता हूं।
एग्जॉस्ट नोट यार इसका बहुत अच्छा है, ग्रंट है एग्जॉस्ट नोट के अंदर। तो भाई इसकी इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स में तो आपको सिर्फ सिंगल चैनल EVS ही देखने को मिलता है, लेकिन बाइक का जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो इसका इंजन ही है, और लाइट वेट होने की वजह से बाइक की परफॉर्मेंस सिटी में आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। तो FG3 का ये न्यू कलर था, सियान ब्लू कलर। आपको ये कलर कैसा लगा और वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो यार इस वीडियो में फिर इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कुछ भी इस वीडियो में आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो @KTOKMotovlogs पे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन राइड सेफ ड्राइव सेफ।